हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और फिलहाल हमने अपने दिन की शुरुआत की है पढ़ाई लिखाई से। ये देखो, ये बच्चा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहा है और रेडी है जेनेट स्कूल जाने के लिए। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रिविजन और होमवर्क करा रहा था, तो आज हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई जल्दी शुरू कर दी और शी इज ऑल्सो एंजॉइंग। यू आर एंजॉइंग योर होमवर्क? तो यूजुअली तो तैयार होती नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आज खुद से बैठी है पढ़ने। दैट शोज कि हाँ, शी इज ऑल्सो फीलिंग गुड एंड एंजॉइंग द स्टडी। अभी हम लोग देखो पीपीटी पे वर्कआउट कर रहे थे, तो मैं उसको वही दिखा रहा था। तो दीज आर फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो मैजिक आएगा जेनेट इसमें, एंड कह रही इसमें मैजिक कैसे आएगा ये देखो। इफ यू वॉन्ट टू फिल द राइट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस, सो हाउ यू कैन डू दैट, यू जस्ट स्वाइप आउट। What force can do? इसको करो। So now the second word is forces are dash or dash। इसमें क्या भरा जाएगा बताओ? ये। नहीं। Forces are push और pull। Force क्या कर सकती है? Push कर सकती है या तो ऐसे या फिर pull कर सकती है। दोनों कर सकते हैं। Push कर सकती है, pull कर सकती है, है ना? अभी इसको magic की तरह करो। Next हाँ, pushes and दोबारा हाँ, pulls। Yes, देखा? आ गए। तो इस तरह से हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उनको एक मैजिक की तरह काम भी करा सके। फिलहाल गाइस, मैं इसको होमवर्क करा देता हूँ और दोबारा जब इसको छोड़ने जाएंगे तो दोबारा आपको कैचअप करूंगा। दादी मैं बताऊँ, नेक्स्ट वाला हमने किया नहीं है, मैं बताऊँ? हाँ बताओ, वो तुमने देख लिया मुझे लग रहा है। तुम बहुत चलाक हो गई हो। डायरेक्शन, अरे उड़ गया बेटा, रॉन्ग कर रही हो। ऐसे ऐसे ऐसे, यस। सो गाइस देखिए, यहाँ पर कोई हवन चल रहा है और ये लगभग दोपहर से ही हम लोग देख रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं लगभग। और ये देखिए कितना अच्छा माहौल है, एकदम स्पिरिचुअल वाली फीलिंग है इधर। और हाँ, और ये जो नारियल है ना, जो बोला होता है, बोले की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी, मतलब पूरे माहौल में, पूरी हवाओं में घुली हुई है। बहुत प्यारा है। तो ऐसी जो हवन के अंदर जो गोले डाले जाते हैं, उनकी अलग ही सुगंध होती है जो वातावरण को और पवित्र और अच्छा कर देती है। सो फिलहाल तो इसी थोड़े से आनंद की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंचेंगे थोड़ी देर में और बाकी काम तो सारे हो गए हैं और कल है बच्चों की छुट्टी, सो उस चीज़ को भी एंजॉय करेंगे। और शायद कल कहीं और भी जाना होगा बाहर, इनको भी लेके जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके लाएंगे घर के सामान की। सो हाँ, फिलहाल निकलते हैं घर की तरफ। जब तक बाहर का थोड़ा सबको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। ये सब चीजें इतना मतलब फैसिनेट करती हैं हमें, क्लब ये सब चीजें बस मजा नहीं देती, तो हमें मजा भगवान की चीजें देती हैं। भले हम लोग कितना भी बोल्ड शूट कर लेते होंगे, लेकिन अंदर से हम और से हमारे एकदम साधारण भक्त हैं। चलो कहते हैं जिस समय के होते हैं उस समय में आपको रमना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग थोड़े से बोल्ड शूट करते हैं, अदरवाइज तो पूरे के पूरे हम भक्त हैं भैया, अपने कृष्ण के, अपने राधा के। चलिए जय जय, आज आप भी हमें शूट कर रहे हैं। ये देखो बाबा अम्मा हमारे ये लाए। हाँ गाड़ी लाए बाबा अम्मा इसके लिए, देखो कितनी बड़ी। अबे 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 गाड़ी गिर गई, कितनी बढ़िया गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। सो फिलहाल गाइस घर पे आ गए हैं और सारा सामान वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद पैट्स को घुमाऊंगा। ये देखो ये भी आराम से बैठे हुए हैं। बेबिनी ठीक हो? वेरी गुड गर्ल, चलो बैठो अभी आता हूँ मैं। ब्रूनो बैठो, फाइनली रूम में आ गए हैं और अभी काम वगैरह शुरू करूंगा। तब तक बच्चे वगैरह भी अपने फ्रेश हो जाएंगे, है ना? अब ठीक है तुम्हारा सर दर्द? बेटा ये मत खोलो, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी मम्मा का ये। चलो जल्दी चेंज वेंज करो और आहान को भी बोलो। सो गाइस फिलहाल नहीं हो रहा है,
वही मम्मा करेंगे अपने आप, छोड़ दो तुम कुछ काम? सो गाइस काम कर लेता हूँ, दोबारा कैचअप करूंगा आपको बहुत जल्द। सो गाइस फिलहाल बाहर आए कंपाउंड में और पेट्स को घुमाने का टाइम है और उनके थोड़ी एक्टिविटी देने का टाइम है। सो जैनेट अभी धीरे धीरे दोस्ती कर रही है बिनी के साथ भी, बेब से तो ऑलरेडी है उसकी दोस्ती, बट हाँ बिनी थोड़ी डेंजरस है तो अभी उससे भी दोस्ती हो रही है। देखो अभी तो फिलहाल पानी पी रही है। पी लो, पी लो, पानी पी लो, पानी पी ले, पानी पी रही है। बेब भी वॉकिंग करने के लिए, बेब आजा बेटा घूमेंगे आजा। तो फिलहाल तो इनको यहीं घुमाएंगे कंपाउंड में और एक्टिविटी का टाइम है और आज है संडे तो कल मम्मी डैडी आ जाएंगे घर पे और फिर असली एक्टिविटी घूमना फिरना तो इनका कल से शुरू होने वाला है। बोलो कोई नहीं निकला, वो ऐसे ही होता है, फैन ऐसे ही होता है। बेटा वो ऐसी करती है, ऐसे ऊपर बैठ थोड़ा, तो नीचे बैठी है वो, बैठे करेगी नहीं, इधर बैठ जा खाट पे। बेटा खाट पे बैठ जाओ, सबकी है बेटा, सारे दोस्त हैं सबके, सबके हैं, किसी को भी नहीं मारता वो इसको भी नहीं मारता। हाँ घूमने का टाइम बेटा, घूमने दो, रात को तितली घूम रही हो। देखो ए फैन बंद करना पड़ेगा, मरेगी मरेगी मरेगी। हाँ तो ये देखो अक्सर जो है ना फैन में बीच में आके ना तितलियां ज्यादातर क्रैश हो जाती हैं। ये देखो कितना दौड़ लगा रही है वो। बिनी जाओ घूम के आओ बेटा, बैठी इसको नीचे बैठा दो, वो नहीं बैठती बेटा ऐसी खड़ी रहेगी वो। तुम वॉकिंग करो, खेलो थोड़ा, चलेंगे फिरेंगे तो अच्छा है उनके लिए। छत पे से साइकिल, अभी चलते हैं ऊपर ही चलेंगे, देखते हैं। गाइस किड्स को तो हम लोग ले आए थे और आते ही एक नया काम शुरू हो गया। ये देखो आज है इनका डीवॉर्मिंग का दिन, क्योंकि डीवॉर्मिंग का ड्यू तो थोड़े दिन हो गए हैं बट हाँ आज मैं इनकी डीवॉर्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं कैसे करता हूँ ये देखो, यूजुअली पहले अपना वजन कर लेता हूँ और उसके बाद जिसकी भी डीवॉर्मिंग करनी थी उसको उठाना पड़ता है। ए चलो चलो ब्रूनो जरा चल, बिनी बिनी चलो, कुछ इस तरह से उठाना पड़ता है इनको और वजन लेके उसके हिसाब से इनकी डीवॉर्मिंग की जाती है। बेटा हो गया, चलो जाओ तुम, तुम्हारा हो गया जाओ। 78.06 तो अब उसके हिसाब से डीवॉर्मिंग की टैबलेट निकाल के फिर डीवॉर्मिंग करेंगे। हाँ नहीं क्यों चला के बैठा है, जैनेट आजा, क्या कर रही है बेटा? कपड़ों में लग जाएगा वो, जल जाएंगे कपड़े। सो गाइस देखिए चांद निकल आया है और पूजा पाठ भी हमारी हो चुकी है। आज के व्लॉग को तो यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिल सकें सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।